थोड़ा क्षेत्र में दुर्गा नवमी के दिन पंडालों में किया गया हवन पूजन, सनातन धर्म के पावन पर शारदीय नवरात्रि में नवमी के दिन दुर्गा पूजा पंडाल में हवन पूजन किया गया। इसी के क्रम में चादा अंतर्गत स्थित राजेपुर गांव में अम्बे दुर्गा पूजा समिति राजेपुर नवग्रह पलनापट्टी में नवमी के दिन श्रद्धालुओं ने हवन पूजन किया, जिसके बाद माँ भगवती की आरती उतारी गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 16 अक्टूबर को देवी प्रतिमा का विसर्जन प्रशासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार शाहपुर में किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी 15 अक्टूबर को यहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। पदाधिकारियों ने बताया कि यह दुर्गा पूजा का कार्यक्रम विगत 8 वर्षों से इसी प्रकार चल रहा है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, प्रबंधक संतोष कुमार जायसवाल, आयोजक वीरेंद्र कुमार यादव, कोषाध्यक्ष संजय यादव, संरक्षक विजय बहादुर यादव, मुख्य यजमान मोनू गुप्ता, कमला शंकर जायसवाल, दीपक जायसवाल, राजेंद्र यादव, विक्रमादित्य यादव, सियाराम यादव, रमाशंकर यादव, रामलाल यादव, छोटेलाल यादव, अरविंद यादव, शेर बहादुर यादव, राम बहाल यादव, रमेश यादव, तेज बहादुर, पवन यादव, विनोद यादव, बलराम यादव, राजेश यादव, विनोद यादव, मंगल यादव व लक्ष्मी शंकर यादव समेत अन्य कई सदस्य, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। क्या नाम है? संतोष कुमार जायसवाल। ये पंडाल कितने वर्षों से लगातार चल रहा है? विगत 8 वर्षों से लगातार चल रहा है, कोरोना काल छोड़ के। कोरोना काल में नहीं लगा जी। आज हवन के बाद और क्या क्या प्रोग्राम है आपका? हवन के बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। यहाँ पर समस्त क्षेत्रवासी भक्तजन माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और माता जी की कृपा रही तो विगत कई वर्षों तक यह पंडाल ऐसे चलता ही रहेगा। भंडारा किस तारीख को है? भंडारा यहाँ आज इसमें 14 तारीख है, कल 15 तारीख है। 15 तारीख को भंडारा है, शुक्रवार को। मूर्ति विसर्जन कब है? मूर्ति विसर्जन शनिवार को होगा, 16 तारीख को। कितने बजे मूर्ति उठेगी? लगभग यहाँ से मान चलिए आप 3 बजे मूर्ति यहाँ से उठेगी। प्रशासन को सूचना दी गई कि मूर्ति उठेगी? प्रशासन मेरे पास फोन किया था कल, मैंने सूचना उनको दिया, जो मुझसे पूछा गया मैंने उनको जरिए दूरभाष बता दिया। क्या नाम है? सीमित में किस पद पर है? सर मेरा नाम संजय यादव है। सीमित में किस पद पर है? पंडाल में किस पद पर? कोषाध्यक्ष। तो बताएंगे कितने वर्षों से पंडाल? सर हमारे यहाँ 8 साल से लगातार ये पंडाल लग रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे से नवरात्र दुर्गा पूजा चलता है, पूरा भाई संख्या में भीड़ रहती है। और आज हवन भंडारा कल रहेगा, 15 तारीख को भंडारा रहेगा। भंडारा सुबह 10 बजे से चालू होगा, 3 बजे तक, 3 बजे से भोजन चालू होगा, रात 10 बजे तक चलेगा। विसर्जन परसों होगा। कितने बजे मूर्ति उठेगी? मूर्ति लमसम वही 3-4 बजे जब उठेगी, जब उसके बाद जो प्रशासन जहाँ चाहेगी जिस समय उसी समय जाके। क्या नाम है? हमारा नाम सच्चिदानंद यादव। सीमित के क्या है, सदस्य है, पदाधिकारी क्या है? मैं सहायक हूँ। बता सकते हैं कि ये पंडाल कितने वर्षों से लग रहा है? 8 वर्षों से पंडाल लग रहा है हमारे यहाँ, लगातार आगे चलता रहेगा। हमारे सभी सहयोगीगण ऐसे मिलजुल के रहेंगे तो हम इस कार्यक्रम को और ही अच्छे से करेंगे और सुचारू रूप से करेंगे, जिससे कि हमारा माता रानी का सहयोग रहेगा तो हम लोग और बड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये नहीं लो, तो नाम जानना चाहेंगे, परिचय क्या है? मेरा नाम विजय बहादुर यादव है सर। यहाँ पंडाल पर आज लगभग 8 साल, विगत 8 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलता है। आज हवन हो गई है, कल भंडारे का आयोजन है, जो बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। लगभग मतलब तारीख बताइए, किस तारीख? 15 तारीख में। भंडारा कितने बजे शुरू होगा? भंडारा दिन में 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा खाने का कार्यक्रम, और रात में 10 बजे तक चलेगा। ये 8 साल से लगातार? बिल्कुल 8 साल से लगातार चल रहा है सर। ये विसर्जन कहाँ पर होगा? विसर्जन डिवार घाट पर होगा, उसका निर्धारण जो है हमारे जो है प्रशासन वाले कंफर्म करेंगे किस दिन करना है, कब करना है, उसके आधार पर चलेंगे। कितने बजे मूर्ति उठेगी? मूर्ति वही तो अभी तो प्रशासन जब बताएगी तभी हम उठाएंगे ना। 5-4 बजे